क्या शादी के पहले मानसिक टेस्ट करना या मानसिक फिटनेस है कि नहीं ये देखना जरूरी है, इसके बारे में बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। कुछ दिन पहले एक युवक का फोन आ गया, 2 साल पहले शादी हुई थी और 2 साल से पत्नी उसके साथ में रोज झगड़ा करती है, जब से शादी हुई तब से। कुछ दिन पहले अच्छे हो गए और बाद में उसका चालू हो गया शक कि तुम लेट क्यों आए, तुम्हारे मोबाइल में किसके फ़ोन आ रहे हैं, व्हाट्सएप में क्या चर्चा हो रही है, कहाँ चैटिंग हो रही है, लेट आ गए तो कहीं तुम भी बाहर गए होंगे, कोई तुम्हारा संबंध होगा लेडी के साथ में, और समझो नहीं पी के आए तो बीबी ने तुम पिए होंगे शराब, मतलब ऐसा कंटिन्यूसली उसका कुछ ना कुछ चालू है। और वो आपके अनैतिक संबंध है, आपके लोगों के साथ में, मतलब ऑफिस के लोगों के साथ में, ऑफिस के लेडीज के साथ में आपके संबंध है, ऐसा उसके ऊपर इल्जाम लगा दी। घर पे आने के बाद में उस शर्ट देखती थी कि शर्ट के ऊपर कुछ बाल वगैरह है क्या, कहीं लिपस्टिक लगी हुई है क्या, और वो ऐसा मतलब ऑब्जर्व करती थी कि ऐसा कुछ है क्या। तो अभी समझो कभी हो सकता है कि उसके खुद का ही बाल गिरा होगा एक आधे बार जब घर पे आता है तो, और वो बाल देख के फिर बोलती देखो ये कोई ना कोई लेडी आपके कंधे पे सिर रख के गई होंगी, मतलब वहाँ तक, और फिर उसको कितना भी मनाया तभी नहीं नहीं वो तो है ही बोले। अभी रोज का ऐसा करेंगे, रोज का संशय लेंगे तो ये कैसा चलेगा, शक रोज का शक है तो उसको नींद नहीं आ रही है और वो खुद ऐसा मानती नहीं कि मुझे प्रॉब्लम है और मैंने इलाज करना चाहिए। अब इसके वजह से जिसने मुझे फ़ोन किया युवक, इसको प्रॉब्लम किसको नींद नहीं आना, उसको ऐसा लगता है कि कैसा करना, रोज कैसा डील करना है इसको, है ना। और पहले पहले तो ठीक हो गया, ठीक है शक करती है भाई ऐसा होता ही है सभी लेडीज़ का होता है ऐसा, ऐसा है उसके दिमाग में आए, मगर जब ज़्यादा होते गए तो फिर उन्होंने उनके माँ बाप को बुलाया कि देखो ये कैसा हो रहा है, तो बोले नहीं नहीं हमारी लड़की तो अच्छी है, तुम्हें ऐसे होंगे और तुम्हें ऐसे बाहर जाते होंगे इसलिए तो हमारी लड़की ऐसे भी बोलेंगे, तो वो भी मानने को तैयार नहीं। और अभी प्रॉब्लम आता है, जब इन्होंने मतलब ये लड़के ने जब देखा शादी के पहले का इतिहास, माँ बाप तो मानने को तैयार नहीं थे मगर उसने पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली तो मालूम पड़ा कि पहले भी शकील लड़की थी, इसका पहले भी एक लड़के के साथ में अफेयर था मगर वहाँ भी उसने झगड़े करके, वहाँ वही शक करके झगड़े करके उन्हें तोड़ दिया था। और घर पे भी ऐसा झगड़े करना, डाउट करना लोगों, घर के लोगों के ऊपर डाउट करना कि भाई वो मेरे खिलाफ है या ऐसा, मगर वो इतना नहीं था कि वो मानसिक बीमारी है और डॉक्टर की तरफ लेके जाओ, ऐसा नहीं था, इसलिए कभी डॉक्टर की तरफ लेके नहीं गए। और अभी शादी करके दिए तो यूजुअली क्या होता है कि शादी एक बार हो गई, माँ बाप बाद में कोई एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होते, एक बार मालूम है कि एक बार हमने शादी कर दिया अब तुम देखो तुम्हारा क्या है, तो क्योंकि हाँ बोल दिया तो प्रॉब्लम, तो वो मानते नहीं है, बोले नहीं प्रॉब्लम बाद में चालू हो गया, अब आप देखो। अब कोर्ट में जाएंगे तभी वैसी लड़की बातचीत बराबर करती है, आर्ग्यूमेंट भी करेंगे अच्छा वैसे होशियार है कि नहीं नहीं ये तो लेट आते हैं, ये तो मोबाइल मेरे को देते नहीं है, मोबाइल लॉक करते हैं तो इनका है ही, तभी कोर्ट में से भी डिवोर्स लेना है तो भी कितना प्रॉब्लम है, कोर्ट में तो ये बोले मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तब तक मिलेगा नहीं शायद डायवर्स, क्योंकि ये तो अच्छी दिखती है वैसी लड़की, तारीख के ऊपर तारीख चलते जाएंगी, तभी क्या ये अभी इसमें करना क्या, ट्रीटमेंट लेने को तैयार नहीं, उसने तो अभी उसको माँ बाप के घर पर भेज दिया, मगर अभी करना क्या है सवाल है। और ये सवाल काफ़ी लोगों के दिमाग में आज है क्योंकि वो फेस कर रहे, शक करना ये वैसी कोई रेयर बीमारी नहीं है शक करना, और काफ़ी लेडीज़ को शक आते रहता है अपने हस्बैंड के ऊपर वैसे देखा जाए तो, मगर वो इतना नहीं रहता कि बीमारी है। तभी फिर शादी के पहले हस्बैंड और वाइफ दोनों पति पत्नी का टेस्ट होना जरूरी है क्या, क्योंकि आप टेस्ट करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं पूरी हिस्ट्री निकालते हैं तो मालूम पड़ेगा कि नहीं भाई कुछ ना कुछ है पहले तो शादी मत करो। ये लड़की का बाद में मालूम पड़ा कि इसकी माँ को भी मानसिक बीमारी थी, स्किज़ोफ्रेनिया था, मतलब फैमिली लोडिंग है। तो फैमिली लोडिंग जब है, जब पहले भी ऐसी विचारधारा है, शकेला स्वभाव है, तो ऐसा यदि मालूम होता है तो फिर आप शादी करने से आप इनकार कर सकते हैं बाद में, एक बार शादी हो गई तो फिर कुछ नहीं, फिर तो हो गया, और अभी कोर्ट में जाके तलाक लेना तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएंगी, वो तो आपस में किया तो ठीक है नहीं तो नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम जो है इसके लिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि पहले दोनों साइड ने
इन्फॉर्मेशन निकालना जरूरी है, चाल चलन कैसी है, हिस्ट्री क्या है, जैसा बायोडाटा पूछते हम वैसा बायोडाटा क्या है पहले का, है ना, डिग्री एक्चुअली सचमुच डिग्री ली हुई है कि ऐसी झूठे सर्टिफिकेट बताए हुए है, माँ बाप में किसको मानसिक बीमारी है क्या, मतलब ये सब माहिती निकालते हैं तो डेफिनेटली उसका फायदा होगा और फिर आप असेसमेंट कर सकोगे। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो जिनकी शादी होने की है, ताकि वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकालेंगे और बाद में प्रॉब्लम उनको कम आएगा। हमारा प्ले स्टोर के ऊपर ऐप है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं डॉक्टर केयर के नाम पर, उसके ऊपर आप सवाल जवाब कर सकते हैं, फ्री चैटिंग है, और आपको कोई सवाल होगा तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन हमारा कर सकते हैं, नीचे नंबर दिए हुए हैं उसके ऊपर आप कंसल्टेशन करके आपके जो भी सवाल है उसमें से वो जवाब पा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।